हेलो व्हाट्सअप गाइस टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू इंस्टॉल टेंस टैग क्वेरी आवर रिएक्ट एप्लीकेशन जी हां गाइस तो आज इस वीडियो का सिंपल मतलब ये है कि टेंस टैग क्वेरी को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड साथ ही साथ गाइस कुछ बॉयलर प्लेट कोड को भी हम देखेंगे ताकि हम रिएक्ट uh, क्वेरी को एकदम अच्छे से समझ सके ठीक है तो सबसे पहले फिर से बताना चाहूंगा कि टेंस टैग क्वेरी एंड रिएक्ट क्वेरी बोथ आर सेम एंड हम लेटेस्ट वर्जन जो वर्जन फाइव है उसके साथ काम कर रहे हैं सो वी हैव दिस रीड द डॉक्स बटन एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे सब कुछ है guys, जो जो आपको चाहिए सो हे वी हैव दिस इंस्टॉलेशन सो वी विल क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन वाला पार्ट एंड ना वी हैव दिस मल्टीपल ऑप्शन इफ यू रिमेंबर देखो हमारा जो रिएक्ट वर्जन 19 है उसमें मैंने आपको बर्न की मदद से बताया था एंड दे आर नाउ ऑल्सो रिकमेंडिंग बर्न क्योंकि बहुत फास्ट है बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी यू नो हम एन के साथ चलेंगे जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है तो सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए वो भैया मैंने कॉपी कर ली ठीक है अब आपको आना अपने वीएस कोड एडिटर पर तो अब मैं अपना ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल बाई प्रेसिंग कंट्रोल एंड देन एस्केप बटन सो so, एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ एंड ओके सो इट्स अ क्लियर एलेस कर रहा हूँ जस्ट टू चेक कि कुछ है कि नहीं इसके अंदर नहीं, नहीं कुछ भी नहीं चलो ठीक है सो वन मोर टाइम लेट्स क्लियर एंड सबसे पहले तो उसको कॉपी करने से पहले मुझे रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा एंड हम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ नहीं करने वाले वी आर गोइंग टू यूज वीट एंड सबसे पहले नाव वेट की मदद से कैसे करते इट्स सुपर इजी एंड इफ़ यू रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिएक्ट राइट नाउ देन आई हाईली रिकमेंड मेरा ये जो वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट वर्जन 19 ट्यूटोरियल को जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड मजा आ जाएगा ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट हंड्रेड या नाइन्टी नाइन वीडियोज़ है मज़ा आ जाएगा अब हम इसकी जो लाइब्रेरी उसको टैकल कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो गाइस विट की मदद से कैसे करते हैं सो इट्स अन पी एम क्रिएट वीट एट द रेट एंड देन यू नीट टू राइट लेटेस्ट ठीक है हमें ये कोड लिखना रहता है प्रोजेक्ट का नाम आप दे दीजिए लेट्स से रिएक्ट क्वेरी एंड इसको यूट्यूब कर देता हूँ ताकि पता चले यूट्यूब के लिए लेट्स गो विथ रिएक्ट लेट्स गो विथ जावर स्क्रिप्ट एंड या दिस इज इट वी आर डन विथ आवर रिएक्ट इंस्टॉलेशन बट हमें क्या करना होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है देन एन पी एम इंस्टॉल सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए देन वी नीड टू टाइप एन पी एम रन एंड देन डेब अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए सो so, ठीक है उसके अंदर मैं गया एन पी एम रन सॉरी एन पी एम एंड देन इंस्टॉल मैं लिख रहा हूँ आप देख सकते हो बहुत क्लियरली मैंने क्या लिखा यहाँ पे एंड मैं एंटर हिट कर रहा हूँ ऑलराइट ठीक है तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम डेटा फेच करने वाले विद द हेल्प ऑफ टेंटेक क्वेरी बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ना रिएक्ट राउट डोम भी लगने वाला है ठीक है रिएक्ट आउट डोम भी लगेगा मुझे तो लेट्स को भी हो एंड इसको भी मैं इंस्टॉल करो ताकि वो नेविगेशन रूट के साथ हम खेल सकें ठीक है ऑल तो ये मेरा काम हो गया है ये चलता हूँ मैं इंस्टॉल करता हूँ सो so, मैं रिएक्ट राउटर डोम को भी इंस्टॉल कर रहा हूँ ये भी डन हो गया अब हमारा ये जो टेंसटैक क्वेरी था ठीक है आप देख सकते हो टेंसटैक हाइफन रिएक्ट क्वेरी इसको भी मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे चल के मैं पेस्ट कर देता हूँ सो रिएक्ट इस वो डन इंस्टॉल हो गया है रिएक्ट राउटर डोम उसको भी हमने इंस्टॉल कर ली है एंड नाव हमने इंस्टॉल कर लिए वॉट और टेंस टैक क्वेरी को भी हमने इंस्टॉल कर लिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको दिखाना कि हमारा ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये देख लीजिए टेंस टैग क्वेरी का वर्जन ये है रिएक्ट का वर्जन ये है रिएक्ट डोम का ये एंड देन रिएक्ट आउट डोम का ये सो so, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर बताना चाहूंगा एंड दैट इज़ कि रिएक्ट का ये जो दो पार्ट है इसको कहा इसमें रिएक्ट नाइनटीन में कन्वर्ट करने वाला हूँ तो इस तरीके से आ जाता है बेसिकली अभी रिलीज कैंडिडेट आर सी स्टेज में सो वी हैव दिस पार्ट ठीक है इसको आप सॉरी oh, या तो आप ये रहा यहाँ पे कोड है इसको कॉपी कीजिए एंड मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ यहाँ पे यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो रिएक्ट इंस्टॉलेशन ये देखो क्रिएटिंग ये जो भी हो इसको आप चेकआउट कर सकते हो ठीक है सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड वापस ये जो सेम ऑफ कोड है आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ रिएक्ट एट द रेट आर सी रियक्ट डोम एट द रेट आर सी सो द मोमेंट ये मैं इंस्टॉल कर दूंगा अब आप देखना जादू होगा सो थ्री टू वन एंड बूम बोमगा इसी ये देखिए सो रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन है नाइनटीन नाइनटीन रिएक्ट आउट ऑफ डोम का सिक्स पॉइंट फोर है बट हम वो फ्यूचर यूज़ करेंगे जो सिक्स पॉइंट फोर में मिलने वाला है एंड तो ये सब कुछ अप टू डेट है लाइक like, अभी ये ऑलमोस्ट अक्टूबर का महीना आने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो ये गाइस ये ना 2025 2026 के लिए परफेक्ट है इवन 2027 के लिए भी क्योंकि रिएक्ट वर्जन 19 तो अभी तक आया भी नहीं है बट मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसी को ही लेके आपको काम कर रहा हूँ ऑल ठीक है इसको रन कर लेते हैं सो एन पी एम रन एंड देन डेब ठीक है ये मेरा रन हो रहा है परफेक्ट तो इतना तो मेरा काम हो गया है चलते हैं हमारे सोर्स एप डॉट जे सिक्स फाइल पर इनको मैं हटा रहा हूँ ठीक है इन सबको मैं हटा रहा हूँ अब सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट आपका ये जो ऐप कंपोनेंट है ये बेसिक से एक लेआउट तो भी बना दो रिटर्न एच वन टेन स्टैक क्वेरी वी नीड टू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आवर एप्लीकेशन ठीक है एंड बाई तो ऑलरेडी यहाँ पे तो हो ही रहा है देखो ना, इस तरीके से ठीक है एंड ऑल राइट तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लोकल होस्ट फाइव वन सेवन थ्री पे ये देखो टेंस टैग क्वेरी मुझे मिल गई ये मुझे इस तरीके से मिल रहा है आपको मे बी डिफरेंट मिल सकता है बिकॉज इंडेक्स डॉट सी एस एस ऑलरेडी है तो मैं उसको हटा रहा हूँ ऐप डॉट सी एस एक्स ऑलरेडी है तो कंट्रोल ए उसको भी मैं हटा रहा हूँ एंड कंट्रोल एस सेव मैं कर रहा हूँ ठीक है ऑल एट परफेक्ट सो अब मैं आगे ये करके चलता हूँ तो नाव वी आर ओनली गेटिंग टेंस टैग क्वेरी सिंपल सा इतना तो बेसिकली सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है अब कुछ बॉयलर प्लेट कोड है जो मैं आपके समक्ष यहाँ पे रखना चाहूँगा सो so कैसे आप लोगों के समक्ष कुछ कोड है जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड ऑलरेडी ये जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम है हम रिएक्ट सीरीज़ में देख चुके हैं इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसको वापस से सब कुछ टाइप करके ठीक है तो इसमें जल्दी से काम करते हैं हमारा ये जो चीज़ें है यू you नो know, जिसको हमें इम्पोर्ट करना जरूरी है उसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं सो इट्स अ इम्पोर्ट क्रिएट ब्राउजर राउटर फ्रॉम आवर रिएक्ट राउटर डोम ठीक है so इस तरीके से परफेक्ट ठीक है अब इतना मेरा काम हो गया है ये सारे क्या है एक लेआउट है जो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किए हैं तो ठीक है इसको एटलीस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं तो सोर्स पे चलते हैं एक कंपोनेंट करके एक फोल्डर बना रहा हूं मैं ठीक है कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स करके मैंने फोल्डर बनाई इसके अंदर मैं चलता हूं लेट्स क्रिएट वन मोर ले आउट ओवर यो लेआउट्स ठीक है उसी के अंदर मैं चलता हूं और एक यू करके फोल्डर बना लेता हूँ ठीक है सो गई लेआउट के अंदर मैं चलना चाहूंगा यहां पे एक मेन लेआउट uh, डॉट जे एस एक्स ये एक फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है लेट्स गो विद मेन ले आउट एंड यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ इट्स सुपर डुपर इजी एंड डैट इज रिटर्न ठीक है लेट्स एज्यूम कि हमारे पास एक हैडर है एंड मैं आशा कर रहा हूँ कि गाइस आपको ये पता चल रहा है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पे आउटलेट यूज़ करना चाहता हूँ आउटलेट ताकि मेरा हैडर एंड फुटर ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहे एंड बीच का जो डेटा है सिर्फ वो ही चेंज हो राइट right? सो so, इस तरीके से तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो आप देख सकते हो लेआउट के अंदर ये जितने भी चिल्ड्रेन हैं वो वन बाय वन रिप्लेस होंगे बट माय हेडर एंड फुटर विल बी ऑलवेज़ सेम ऑलवेज कांस्टेंट वो कभी फैच वैच वगैरह कुछ नहीं होंगे तो इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ ओवर हेयर इस तरीके से ठीक है ऑल राइट रही बात होम हमारे ओल्ड तरीके से भी मैं आपको बताऊँगा एंड ये मेरा पुराना तरीका सो लेट्स गो विथ आवर कंपोनेंट लेआउट एंड देन वी हैव आवर यूज़र इंटरफेस तो यूज़र इंटरफेस के अंदर मैं चलता हूँ एक सेकेंड सो so, uh, uh, एक काम करते सोर्स में हमें एक और चीज़ लगेगा एंड दैट इज़ अ पेज पेजेस कुछ भी लिखो आप सो वी हैव अ होम डॉट जे एस एक्स ठीक है यहाँ पे इट्स अ कास्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट वी हैव अ होम इस तरीके से हैलो होम ठीक है परफेक्ट ठीक है अब एटलीस्ट होम का जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगा रही बात फैच ओल्ड लेट्स क्रिएट ये वाला पार्ट ऑल्सो एक न्यू पेज फैच ओल्ड डॉट जे एस एक्स कॉपी करो पेस्ट कर दो आ, ओके यहाँ पे आके ये जो फैच ओल्ड है उसको रख दो ठीक है हेलो फैच ओल्ड ठीक है इसे कोई कॉपी करो कंट्रोल स्पेस चला गया फैच आर क्यू ठीक है इसको कॉपी कीजिए लेट्स गो टू आवर पेज ओवर हियर इस तरीके से डॉट जे एस एक्स एंड इट शुड बी डॉट ना कि कॉमा एंड ये जो कोड है कॉपी करो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो एंड इट्स शुड बी योर फैच आर क्यू एंड हेयर ऑल्सो इट्स शुड बी योर फैच आर क्यू ठीक है एक सेकेंड या परफेक्ट ठीक है सो हमारा ये जो पार्ट है ये भी डन हो गया इस तरीके से ठीक है एंड गाइज जब हम जाएंगे हमारे मेन लेआउट पर वी हैव अ हैड एंड देन वी हैव अ फूटर तो कंपोनेंट लेआउट लेआउट के अंदर एक मैं हैडर डॉट जेसक्स बना रहा हूँ एंड यहीं पर इसी को ही कॉपी नॉट ओवर ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड होम होम जहाँ पे लिखा है लेट्स को विथ हैडर एंड वापस यहाँ पे मैं आना चाहूँगा लेआउट पे लेट्स को विथ फूटो डॉट जेसक्स होम को कॉपी करो फूटर पे चिपकाओ होम एंड होम को चेंज करो बना दो फूटर दिस इज इट सो वी हैव अ इसमें कंट्रोल एंड दन स्पेस इम्पोर्ट करा ली कंट्रोल स्पेस इम्पोर्ट करा ली ठीक है सो वी आर डन गाइस वी आर डन विथ आवर प्री इंस्टॉलेशन काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे सब कुछ सेट है अब ये जब आप रिएक्ट डोम क्रिएट करते हो या कोई भी जब आप रूट क्रिएट करते हो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन का तो ये जो राउटर है अब हमें इसको पास करना रहता है कैसे मैं आपको बताता हूँ तो ये जो आपका एप्लीकेशन है नाम है विड टू कॉल और रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर या सिंपल राउटर प्रोवाइडर आप कहिए कह लीजिए सो वी हैव अ राउटर प्रोवाइडर ठीक है एंड इस राउटर प्रोवाइडर में ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉप्स है जो पास करना पड़ता है एंड दैट इज योर राउटर एंड इस राउटर की जो वैल्यू होगी वो होगी ये वैल्यू जिसके अंदर हमारा सब कुछ है कि हाँ भाई एक मेन लेआउट है उसके अंदर वी हैव अ चिल्ड्रेन अगर उसमें कोई ये करता तो होम पेज जाएगा कोई ट्रेड लिखता है तो फैच ओल्ड वाले पेज पे जाएगा कोई ये टाइप करता तो इस पर्टिकुलर पेज पे जाएगा वो सारा डिटेल्स यहाँ पे इसके पास पड़ा होता है सिंपल ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है इसकी हमें कोई नीड ही नहीं है ठीक है तो हमारा काम हो गया तो इतना अगर मैं चलता हूँ अब हमारे कोड पे चलते ठीक है सो दिस इज आवर बाय डिफॉल्ट इट मस्ट बी अ होम पेज और लेट गैस तो कुछ मिल नहीं रहा है एंड बॉडी में भी कुछ नहीं है फॉरवर्ड लेस आर क्यू करूँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आई गेस वी नीड टू राइट और रिटर्न ठीक है मुझे लग रहा है रिटर्न लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो मैंने रिटर्न लिख दिया ठीक है ताकि जो भी ये है डेटा आप उसको रिटर्न कर दो लेट्स सी क्या ओके होता है ऐसे होता है कभी कभी सिली मिस्टेक्स एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखना uh, है हेलो हैडो एंड देन वे हेलो फूट ये ऑलवेज सेम है हाँ खाली बीच का ये जो डेटा है ना वो चेंज होगा ध्यान से देखना अगर मैं एंटर uh, हिट करता हूँ देखो ये सेम है ये सेम है खाली ये डेटा चेंज हो रहा है तो मुझे अब आपको यही दिखाना है कि कैसे है नो फॉरवर्ड स्लेस आर क्यू मतलब रिएक्ट क्वेरी की मदद से आपका ये जो डेटा है वो आप कैसे फेच कर सकते हो उसको कैसे मैनेज कर सकते हो लोडिंग स्टेट स्टेट कैचिंग स्टेल टाइम पोलिंग पेजिनेशन म्यूटेशंस ना जाने बेस्ट प्रैक्टिसेस वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा सो या गाइस दिस इज इट आजिस्ट वीडियो के लिखने आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आई नो गाइस आज के वीडियो में इतना कुछ रिएक्ट क्वेरी का था ही नहीं एक्सेप्ट वन इंस्टॉलेशन रेस्ट हमारा पूरा पुराना कोड है बट मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एक अच्छी बात ये लगी होगी जहाँ आज हमने जितना भी कुछ सीखा उसको सीखने के लिए हमने पहले पाँच दिन लिए थे इफ़ यू रिमेंबर हमने कम से कम तीन या चार दिन लिया था इतना कुछ करने के लिए जो आज हमने सिर्फ इस एक वीडियो में किया क्योंकि मैं नाव ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको रिएक्ट आता है यू नो वेरी वेल रिएक्ट आउट डोम डोमऑल्सो ये सब कुछ ठीक है तो वो सब कुछ तो हमने सिर्फ आज इस एक वीडियो में कर दी जो कि बहुत अच्छी बात है तो कैसे कल की वीडियो में मैं ये बताऊंगा व्हाट इज क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर उसको हम कैसे रैप करेंगे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन पे एंड साथ ही साथ हमारा ओल्ड स्टाइल ओल्ड तरीका जिसके थ्रू हम डेटा फेच करते थे तो वो मैं आपको कल बताऊंगा एंड देन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिएक्ट क्वेरी उसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहा है तब ना आपको पता चलेगा कि एक्चुअल डिफरेंस एक्चुअल फायदा राइट सो या आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा सो गाइस आज हमने जितना भी कुछ किया सोर्स कोड बिल्कुल फ्री मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक हजार लाइक है एंड सब्सक्राइबर टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा मिलता हूँ कल की वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर